हे व्हाट्स अप गाइस, हम है आपके जुड़वा सुशांत निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने ट्रेलर किया था इसका रिव्यू, तो आपने उसमें हमको कमेंट किया है कि गाइस हमको आपके तरफ से गाने भी चाहिए, तो फिर हम लोग आपकी रिक्वेस्ट पूरी ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग सारे गाने एक साथ तो रिव्यू नहीं कर सकते, तो आज जो हम लोग अभी करने वाले हैं वो है शिवो हम और हुप्पा हुया। ऐसे शिवो हम तो चलो मैं समझ सकता हूँ कि शिव जी का नाम के हिसाब से होगा, हुप्पा हुया क्यों है मुझे नाम नहीं समझ गया, सुनने के बाद ही हुप्पा हुया। तो क्योंकि बात ऐसी है गाइस कि रिलीजियस थिंग से थोड़ा सा हम लोग को नहीं का थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हमारा, तो इसलिए अगर कुछ वर्डिंग्स में इधर उधर होगा तो माफ कर देना। गाने के बारे में ज्यादा समझते तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, पर अगर लिरिक्स के बारे में अगर इधर उधर होगा तो माफ कर देना। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं शिवो हम और अजय अतुल का म्यूजिक है, तो 100% गाना खराब होगा ही नहीं। तो सीधा आते हैं म्यूजिक पे, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन देते रहो, जरूरी है। और जो वन टेक में हम लोग बता पाए वो बताएंगे और जो भी होगा वन टेक में बताएंगे, ठीक है। चलो आते पता ही चलेगा। अजय अतुल जी, मनोज मुंतजिर का म्यूजिक है, सॉरी लिरिक्स है, आते हैं चलो। अच्छा, सिंगर अजय गोगावले। ओहो, ऑफ कोर्स अजय अतुल रहेगी तो ये सब रहेगा ही, और रेजोनेंस बढ़ते जा रहा हो। नाइस, ऐसा लग रहा है। ए शिवाजी, हाँ जय भवानी, हाँ जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज। नाइस यार, क्या ऐसा बस एम्बियंस है, एम्बियंस म्यूजिक है। ओरिजिनलिटी यार, इलेक्ट्रिक ही है क्या?
अरे वाओ ओके क्या बोल रहा था तू तो जो वो जो बीच में आया था ना सेकंड एकदम लास्ट के बीच में वो कंपोजिशन है ना वो थोड़ा सा मतलब एज अ क्राउड मैं बता रहा हूँ एज अ क्राउड मैं भी वही बोल रहा हूँ वो जो थोड़ा सा है ना वो क्लिश हो गया हाँ मतलब और वो नहीं रहना चाहिए था जो पर और ये जो हिसाब से म्यूजिक था ना वो हिसाब से वोकल्स जैसे मतलब भर भर के चाहिए थे ना वैसे नहीं है जैसे डबल ट्रिपल वोकल चाहिए थे इसमें वैसे नहीं है। और एक बात बताता हूँ जैसे कि मैं अजय अतुल जी का म्यूजिक जब भी सुनता हूँ तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं उनके ही गाने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल रहा है इन शॉर्ट ऐसा लगता है इन शॉर्ट इनका जो भी मैं अभी सुन रहा हूँ जितने भी गाने अभी आए हैं सुन रहा हूँ मैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल रहते हैं बिल्कुल अगर आप 24 घंटा या आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हो उसमें से हर एक आर्टिस्ट का म्यूजिक सुनते हो जैसे अजय अतुल का आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे बहुत सारे तो हम लोगों ने सुने हमने तो मराठी के ही खुद के सुने खुद के ही गानों में से कहीं ना कहीं कंपोजिशन ऐसे लगता है कि वो ऐसा लगता है इधर से ये और ये तो रहता है ये तो हर गाने में रहता है ये वाला जो रहता है दो तीन इसमें ऐसा मैंने नोटिस किया था बट हाँ इनका म्यूजिक अपने को बहुत अरेंजमेंट बहुत प्यारा है अरेंजमेंट बहुत ज्यादा पसंद है ये बहुत ज्यादा ओरिजिनल सब कुछ ओरिजिनल यूज करते समझ रहे हो ऑकास्टिक ज्यादा से ज्यादा ये प्रीफर करते कि ऑकास्टिक सब कुछ रहे क्या बात है चलो आगे के गाने पे आते ये तो अपने को म्यूजिक था इसका अरेंजमेंट अच्छा है अरेंजमेंट काफी अच्छा बीच में सिर्फ लास्ट में जो एक कंपोजिशन आया ना थोड़ा सा वो मेरे को उतना खास नहीं लगा सही बोलूं तो बट बाकी जो है बाकी अरेंजमेंट बहुत जान अच्छी थी जान अगर और तीन चार अगर ये डाल देते थे ना दो तीन चार 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 पांच सिंगर रहते थे ना उसमें अच्छे से आपको मैं बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है जैसे कि सामने सैफ अली खान है मतलब रावण सैफ अली खान ही कर रहा था ना क्योंकि आदि पुरुष के तो बाल बड़े हैं बिल्कुल रावण रावण ही रावण है ठीक है तो रावण किसके फॉलोअर थे फॉलोवर ही बोलते ना फैन फैन नहीं मतलब वो मानते थे वो शिव जी को मानते थे और इस गाने का नाम भी शिव जी है तो वो शिव जी के उसके सामने वो खड़े है अपना सैफ अली खान मतलब रावण तो वो उनके सामने खड़ा है मतलब वो गाना उनके ऊपर बना है बिल्कुल कि वो तांडव कर रहे हैं वैसा टाइप का वैसे हुआ क्या कि और एग्रेशन चाहिए था और ज्यादा तांडव चाहिए था ये बहुत ज्यादा ढीला तांडव हो गया ऐसा ये इसको तांडव नहीं बोल सकते बट अरे बता रहा हूँ मैं जस्ट इकलाकन दे रहा हूँ आपको वाह मैं ये गाने में उर्दू वर्ड यूज कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो मैं जस्ट बता रहा हूँ उर्दू क्या अपनी मासी है यार अपनी मासी है उर्दू तो हिंदी और उनकी बहन मासी मिसू तो अपनी मासी हो तो मैं यही बोल रहा हूँ गाइस तो थोड़ा सा मतलब अरे एग्रेशन चाहिए था मैं बोला तीन चार तो और मजा आता था अभी क्या हुआ कि वो एलिमेंट वगैरह मस्त है पर फिर क्या यही सब आया पर और एग्रेशन होता है बहुत ज्यादा ऐसे आगे बढ़ते अगर मैं आपको कोई गाना बताऊं कि भाई मतलब नहीं क्या ऐसा कोई गाना है जो मैं बहुत ज्यादा अरे जैसे वो गाना है तू धंच कड़क जिंग डंच कड़क तड़ी घंटे घंटे गड़े घंटे गड़े धंच कड़क जिंग बराबर बराबर वो रॉकी की एंट्री है समझ रहे हो ये तो हमारे भगवान है ना तो रॉकी की एंट्री बिल्कुल समझ लो रॉकी के धंच कड़क जिंग डंच ऐसा समझ लो तो रॉकी की एंट्री ऐसी दिखाते तो इसमें तो ऐसा हो सकता था कि और जान आ सकती थी बिल्कुल ये मेरा पब्लिक रिव्यू है एज अ मैं जितना पढ़ता हूँ जितना ये है तो मैं एज अ पब्लिक बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए था ठीक है तो वापस चालू कर देता कोई तो ऐसा है तो और रहता है अभी ये उपाहुया में देखते हैं क्या है ये तो हनुमान जी का दिख रहा है मतलब हनुमान जी मतलब जो अपने सुखविंदर सिंह ने गाना गाया है क्या बात लेजेंड अपने बहुत अच्छा सिंगर लिया मतलब इन्होंने मजबूत और ये अभी कैसा रहता है देखते उपाहुया लगा ले इनका नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना ठीक है इसके बारे में भी लास्ट में बात करते ठीक है नाइस अच्छा वो ऐसा बता देते ना तो वो बढ़िया किया ये ओह
पॉज कर रहा हूँ, ये टंग 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 कितने गानों में यूज किया इसने, इन्होंने ये वाला, अरे बाबा, अरे यार वो गाना है? अरे वो उसका रितेश देशमुख के इसमें ये इसमें भी है और वो गाना एक मराठी गाना माउली 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 रूप तुझे विठ्ठल 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 विठ्ठल, क्या गाना आया उसका भी, अजय अतुल ने ये क्या ही गाना बनाया है, मतलब गुजबम्स अगर चाहिए ना आपको तो वो गाना सुनो, गाना सुनो भाई साहब, भाई साहब जो बनाया मराठी, वो अजय अतुल जो है ना भाई, तोड़ अजय अतुल है वो वाले, वो जो उन्होंने वो वाले गाने बनाए, यू ना मरा रे लव ले लवो भी अच्छा हो रहा है, बहुत सारे गाने ऐसे थोड़ा पीछे ले टंग टंग, तो ये एलिमेंट बहुत टंग टंग, ये पार्ट बहुत गानों में यूज किया उन्होंने। अरे बहुत गानों में ऐसा ब्रेक यार, बहुत गानों में साउंड, ये वाला साउंड अलग है, हाँ ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही करते हैं लोग, ओके प्रेडिक्टेबल कंपोजिशन अगेन, बिल्कुल ऐसा आएगा, अरे बहुत प्रेडिक्टेबल गाना है यार, ओरिजिनलिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। हम केसरी क्या बराबरी, कौन हम आसमान को चीर फाड़ गए, फड़फड़ो है अपनी तो पताका, जैसे तन हो प्राण के बिना, ऐसे हम श्री राम के बिना, लो शरण में आ गए प्रभु, सर पे रख दो हाथ दाहिना, क्या बिगाड़े कोई उसका, श्री हरि जिसके साथ हो भैया, नाच ले मस्ती में भैया, ओके लास्ट देखो, अगर पूरी गाने की बात करें, अजय अतुल से अपन ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि उनको पता है एनर्जी कैसे डालने का गाने में, बहुत अच्छे से, भले बहुत बहुत से पार्ट प्रेडिक्टेबल है, और दूसरी बात मेरे को लास्ट में जैसे है ना ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल बुक में वो
जंगल बुक टाइप का देख रहा हूँ ऐसा सुन रहा था। हाँ, हाँ। वो नहीं कहा भागता है ऐसा या बगीरा आता है। हाँ, हाँ। तो वो उनमें जंग लड़ती है तो ऐसा लग रहा था। तब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं रामायण का कुछ पार्ट सुन रहा हूँ। मेरे को लग रहा था कि मैं जंगल बुक या कोई वो बगीरा वगैरह नहीं क्या जंगल का सीन चल रहा है जंगल का सीन चल रहा है वैसा लग रहा है। इसमें भी जंगल का ही सीन है युद्ध करने जा रहा है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है रामायण के युद्ध में यूज करना और जंगल बुक के युद्ध में यूज करना बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। मेरे को बट एक चीज है कि अजय तुल्य ज्यादा पसंद है ओरिजिनलिटी रखी है बहुत ज्यादा अकोस्टिक्स यूज किया सब कुछ और एक तो इनको पता है सिंगर कैसा कौन से गाने पे कैसा सिंगर यूज करने का है। बिल्कुल अभी सुखविंदर सिंह जी को किया था उनका तो बात ही अलग है समझ रहे हो। एडिशनल वोकल जैसे वाले वाला वो बीच में एक वोकल्स था ना वो मेरे को लग ही रहा था कि दूसरे का है करके वो वोकल्स उनका नहीं था करके। सही है यार मजा आ गया बिल्कुल दोनों में भी जो भी अपने को बोलना था हाँ वो अपन ने अच्छे से आपको बता दिया है बिल्कुल ठीक है ना। बट अगर बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या कौन सा गाना हमारे ओपिनियन कैसा लगा और आपको कौन सा पसंद आया कौन सा नहीं आया। बिल्कुल अगर हमसे कुछ गलती होगी होगी तो माफ कर देना कुछ भूल चुक हो गई होगी तो माफ कर देना। बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो ऐसे ही सपोर्ट रखो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। Na 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 na